नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में। हमारा आज का एजेंडा है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को किस प्रकार ओपन कर पाएंगे, किस प्रकार किसी नए डॉक्यूमेंट का निर्माण अथवा किसी बने हुए फाइल को ओपन कर पाएंगे, किस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं अथवा सेव एज कर सकते हैं एवं किस प्रकार किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, किस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन कर पाएंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। चित्र में दिखाई दे रहा है, रेड सर्कल किया हुआ है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, रेड मार्क किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अथवा कहीं पर डेस्कटॉप पर या आपके स्टार्ट मेन्यू में जहां कहीं पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लोगो दिखाई दे, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। चित्र में दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इंटरफेस। क्या क्या ऑप्शन इस एप्लीकेशन में हो सकते हैं, हमने चित्र में दिखाया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स या मेन्यूज, टास्क बार, रिबन, रूलर, टैब ऑप्शन इत्यादि। इसी प्रकार आप अपने इंटरफेस पर दाहिनी ओर घूमेंगे तो उसमें आपको मिलेगा क्लोज बटन, मैक्सिमाइज अथवा रीस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन। साथ ही आप पाएंगे व्यू और हाइट, रूलर, ये आपका टेक्स्ट एरिया है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अथवा टाइप किए हुए टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। स्टेटस बार आपके एप्लीकेशन के बॉटम में है, मार्क किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है, रेड मार्क किया हुआ है। किस ऑप्शन को किस नाम से जानेंगे, हमारा प्रयास था कि आप उनको समझ पाएं। किस प्रकार वर्ड 2007 में आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं अथवा नई फाइल बना सकते हैं, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। हमने ऑफिस बटन पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, उसके न्यू बटन पर क्लिक कीजिए। न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। इसमें आपके बाईं ओर जो फाइल टाइप्स हैं, जिस प्रकार की आप नई फाइल बना सकते हैं, उनका लिस्ट दिखाई दे रहा है और साथ ही रेड सर्कल किया हुआ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जिसका प्रीव्यू आपके दाहिनी ओर चित्र में दिखाई गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, आप उस पर डबल क्लिक कर दीजिए अथवा क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह का इंटरफेस आपके सम्मुख होगा। तो इस प्रकार हमने जाना हम वर्ड डॉक्यूमेंट में किस प्रकार नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा उसका डिफ़ॉल्ट नाम उसके टाइटल बार पर दिखाई देगा, जिसको हमने रेड सर्कल किया हुआ है, डॉक्यूमेंट वन। इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। सैंपल के तौर पर डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा गया है, आप भी प्रयास कीजिए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अगर आप नया डॉक्यूमेंट कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं, चित्र में इसका शॉर्टकट दिखाया गया है। कंट्रोल के साथ आप एन प्रेस करेंगे तो आप इसी प्रकार नया डॉक्यूमेंट, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर पाने में सफल होंगे। आइए बात करते हैं किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किसी बनी हुई फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगी, जो कि चित्र में दिखाई दे रही है। ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार दिखाई देगा, इसमें से आप अपना फाइल का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना फाइल पर क्लिक कीजिए।
और ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए, अथवा अपनी फाइल पर डबल क्लिक कीजिए, तब आपको ओपन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आप यही प्रोसेस शॉर्टकट के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ ओ, और जो ही आप कीबोर्ड से CTRL अर्थात कंट्रोल की के साथ ओ प्रेस करेंगे, आपके सम्मुख इस तरह का डायलॉग बॉक्स प्रस्तुत होगा जिसको हम ओपन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें भी आपको फाइल को सेलेक्ट करना है और फिर उसको ओपन पर क्लिक करना है। किस प्रकार आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए। ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेव ऑप्शन दिखाई देगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आपसे फाइल सेव करने के लिए फाइल का नाम पूछा जाएगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइल को सेव नहीं किया है। आप फाइल का नाम देंगे और फाइल का नाम देने के बाद आप उसको सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने नए बने हुए डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ एस। जो ही आप कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एस, आपके सम्मुख इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आपको अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है इसका निर्धारण आप कर सकते हैं। किस ड्राइव में सेव करनी है ये आप तय कर सकते हैं। किस फोल्डर के अंदर सेव करनी है, या कोई नया फोल्डर आपको बनाना है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है न्यू फोल्डर लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही अपनी फाइल का नाम आपको देना है फाइल नेम के सामने प्रस्तुत बॉक्स में। और ये सब करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए, आप फाइल को सेव कर पाएंगे। अब बात करते हैं सेव और सेव एज, दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन में क्या भिन्नता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब तक आपका डॉक्यूमेंट अनसेव्ड है, अभी तक एक भी बार आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आप डॉक्यूमेंट को सेव करने जा रहे हैं, सेव और सेव एज दोनों का ऑप्शन, दोनों का फंक्शन कॉमन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट करता हूँ, अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया है और आप सेव करने जा रहे हैं, आप सेव पर क्लिक करेंगे या सेव एज पर क्लिक करेंगे, दोनों बातें समान हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर चुके हैं और अब दोबारा से उस पर कुछ एडिटिंग किया है, कुछ चेंज किया है, कुछ नया जोड़ा है, और तब आप उसको फिर से सेव करना चाहते हैं अथवा सेव एज करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातों में भिन्नता है। अगर अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट को आपने कुछ चेंज किया है, कुछ नया डेटा उस पर ऐड किया है अथवा कुछ पुराने डेटा को डिलीट किया है, अगर आप इस पर सेव करेंगे तो ये आपका अभी का जो अपडेट है वो पुरानी वाली फाइल में जिस भी नाम से आपका फाइल था सेव था वो सेव हो जाएगा। अगर आप उस पर सेव एज करेंगे, जो भी अभी करंट चेंजेज आपकी फाइल में हुए हैं इसके लिए आपके सम्मुख सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस पर आपको फाइल का नाम देना होगा और फाइल कहाँ सेव करनी है उसका लोकेशन देना होगा। इस प्रकार आपका एक नया फाइल सेव होगा। अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करें और उसके बाद उसको एक नई फाइल का रूप दे दें, इस तरह का काम करने के लिए आपको सेव एज बटन पर क्लिक करना होगा। हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से किस प्रकार डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट जो डॉक्यूमेंट आप करना चाहेंगे उसका क्या प्रोसेस होगा, हम चित्र में दिखा रहे हैं। आप ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए, प्रिंट बटन आपको दिखाई दे रहा है। जो ही आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स है, इस पर कुछ बातें आपको ध्यान देनी है प्रिंट करने से पहले। वो बातें क्या-क्या हैं, सबसे पहले आप प्रिंटर का चुनाव कीजिए। अगर आपकी मशीन में एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, चित्र में मार्क किया हुआ है। आप प्रिंट को अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए। दूसरा, आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट रेंज आप सेलेक्ट कीजिए। किसी डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज आप चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। तत्पश्चात आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए, आप प्रिंट दे पाएंगे। अगर
आप कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रिंट देने के लिए, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ पी, और आप इस तरह का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर देखेंगे कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद। ये वही डायलॉग बॉक्स है जो आपने प्रीवियस स्लाइड पर देखा था, जिसको आपने प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद प्राप्त किया था। तो आज हम बात कर रहे थे किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अथवा सेव एज कर सकते हैं। साथ ही हमने जाना हम किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। आज के लिए हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।